अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल डीआईवाई फेस वॉश। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो टाइप्स के फेस वॉश, एक लिक्विड फॉर्म में और एक पाउडर फॉर्म में। लिक्विड फेस वॉश उन लोगों के लिए है जिनको अपने फेस वॉश में लेदर फॉर्म और फ्रेग्रेंस चाहिए होती है और जिनकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन या ड्राई है, तो उनके लिए मैंने एक स्पेशली लिक्विड फेस वॉश प्रिपेयर किया है। ये फेस वॉश आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, डलनेस को खत्म करेगा, आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आएगा। सेकंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पाउडर डीआईवाई फेस वॉश। ये फेस वॉश ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए है। तो चलिए जल्दी से आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फेस वॉश का काम होता है आपकी स्किन को क्लीन करना, आपकी स्किन से सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। आप बहुत से मार्केट बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बेशुमार केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से फेस वॉश तो आपकी स्किन पर बहुत से साइड इफेक्ट्स भी छोड़ जाते हैं, लेकिन जो डीआईवाई फेस वॉश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करेगा, डर्ट और इम्प्योरिटीज को क्लीन आउट करेगा और साथ ही आपकी स्किन पर एक अमेजिंग ग्लो लेकर आएगा। फेस वॉश नंबर 1 फॉर ड्राई कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। इसके लिए आपको चाहिए है 3 टेबलस्पून हनी यानी शहद। इसके बारे में आप जानते हैं, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है और आपकी स्किन को एक अमेजिंग ग्लो देता है। नेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बादाम का तेल और 1 चम्मच जैतून का तेल। आपने सिर्फ यही 2 ऑयल्स का इस्तेमाल करना है, इसको अल्टरनेट नहीं करना। अगर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी का मौसम है, आपकी स्किन पर जम जाएगा, तो इसलिए आपने सिर्फ इन्हीं 2 ऑयल्स का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का इस्तेमाल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ कॉफी। कॉफी का इस्तेमाल आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लें और ब्लेंड करने के बाद आपका कुछ इस तरह से मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्म या लेदर वाला टेक्सचर चाहिए तो आप इसमें कोई सा भी बेबी वॉश ऐड करेंगे, क्योंकि बेबी वॉश बहुत ही माइल्ड और केमिकल फ्री होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच बेबी वॉश ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आपका बहुत ही कमाल का फेस वॉश बनकर रेडी हो गया है। अब अपने फेस को वेट करें और इसके बाद इस फेस वॉश को अप्लाई करें, सर्कुलर मोशन में मसाज करें और अपने फेस को वॉश कर लें। ये फेस वॉश ना सिर्फ आपके मेकअप को रिमूव करेगा बल्कि आपकी स्किन पर मौजूद तमाम डर्ट और इम्प्योरिटीज को भी निकाल बाहर करेगा, स्किन पर मौजूद तमाम डार्क स्पॉट्स, एक्नी मार्क्स, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को बहुत अमेजिंगली ग्लोइंग बनाएगा। आप इसको 20 डेज के लिए किसी भी बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। फेस वॉश नंबर 2 फॉर ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन। इसके लिए आपको चाहिए है 1 बड़ा चम्मच ग्राम फ्लोर यानी बेसन। बेसन एक नेचुरल क्लेंजर है, ये आपकी स्किन से सारे डर्ट और इम्प्योरिटीज को निकाल बाहर करता है। इसका इस्तेमाल आपके एक्सेस ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ नीम पाउडर। नीम पाउडर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो आपकी स्किन पर मौजूद पिंपल्स और एक्ने को कंट्रोल करती हैं। अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स मौजूद हैं तो इसका इस्तेमाल आपके पिंपल्स को ड्राई कर देगा और इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपके एक्ने मार्क्स को भी खत्म करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर। चंदन पाउडर का इस्तेमाल आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्राइटन अप करता है। अगर आपकी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स मौजूद हैं तो उसको भी रिड्यूस करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ कॉफी। तो बस इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और एक कंटेनर में स्टोर करके रख लें और आपका DIY फेस वॉश पाउडर रेडी हो गया है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसकी कुछ क्वांटिटी एक बॉल में लेंगे। इसके बाद आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, रोज वाटर ऐड कर सकते हैं या फिर योगर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पेस्ट बनाने के लिए रोज वाटर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करें और इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लें। एटलीस्ट 5 मिनट्स तक आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करके रखें और इसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लें। ये फेस वॉश बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को क्लियर बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। अगर आपकी शादी करीब है या फिर आप किसी वेडिंग के फंक्शन में जाना चाह रही हैं तो इसका इस्तेमाल आज ही अपने स्किन के रूटीन में करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी बनाएगा, स्किन पर मौजूद डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स या पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को एकदम निखार देगा।
तो ये थे हमारे दो बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश जिनका इस्तेमाल आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये दोनों फेस वॉश आपके मार्केट के महंगे से महंगे फेस वॉश से बहुत बेहतर हैं और इनके बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो आई रियली सजेस्ट आप इनको एक बार जरूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज मेरे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड आई रियली होप मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।